सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय श्रृंखलावत कार्यक्रम में सबों को नमस्कार। हम बात करेंगे एक महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा ने झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों के लिए ब्रिटिश सरकार से जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी। 9 जून स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। आरजीएस पीबीएच परिवार की ओर से इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। उन्होंने ये लड़ाई तब शुरू की जब वो 25 साल के भी नहीं हुए थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को मुंडा जनजाति में हुआ था। उन्हें बांसुरी बजाने का शौक था। 1890 के दशक में उन्होंने अपने लोगों से अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण के बारे में बात करना शुरू किया। अंग्रेजों की कृषि नीतियां आदिवासी लोगों का दमन कर रही थीं और उनके जीवन के तरीके को बाधित कर रही थीं, जो अब तक शांतिपूर्ण और प्रकृति के अनुरूप था। एक और समस्या ईसाई मिशनरियों का द्वारा आदिवासी लोगों का सांस्कृतिक अपमान था। मुन्नाओं ने संयुक्त भूमि स्वामित्व की खुनखट्टी प्रणाली का पालन किया। अंग्रेजों ने इस समतावादी प्रणाली की जगह जमींदारी प्रणाली लागू की। बाहरी लोगों ने आदिवासी क्षेत्र में प्रवेश किया और उनका शोषण करना शुरू कर दिया। अपने ही क्षेत्र में वे मजबूर मजदूर बन गए। गरीबी उन पर एक गला घोटने वाली जंजीर की तरह टूट पड़ी। उन्हें अक्सर धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर यानी झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। कम उम्र में ही बिरसा मुंडा की अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ गई थी, लेकिन एक लंबी लड़ाई 1897 से 1900 के बीच लड़ी गई। इसके बाद 3 फरवरी 1900 के चकदरपुर के जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 9 जून 1900 को 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा की रांची जेल में मौत हो गई। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन सबके लिए प्रेरक है। अंग्रेजों के विरोध उनका आंदोलन आदर्श है। उनके साहस समर्पण और बलिदान से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। सभी आरजीएसएन की ओर से भगवान बिरसा मुंडा को विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।